इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही हाईटेक रोबोट को दिखाया जाता है जिसका नाम मदर रोबोट होता है। वो एक डिवाइस को ऑन करती है जिसमें बहुत सारे बेबी सेल्स रखे होते हैं और वो उनमें से एक फीमेल बेबी सेल्स को निकाल लेती है और उसे एक मशीन में डाल देती है जिससे अब उस बेबी की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो बेबी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और फिर मदर रोबोट उसे बाहर निकाल लेती है। वो एक बहुत ही क्यूट बेबी गर्ल होती है। मदर रोबोट उसकी देखभाल करने लग जाती है। मदर रोबोट उस लड़की का नाम डॉटर रखती है और अब वो बेबी डॉटर धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है और मदर रोबोट उसके साथ खेलती है, उसे स्टोरी सुनाती है और उसका एक माँ की तरह ख्याल रखती है। एक दिन डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि इंसान कौन थे और वो कहाँ गए, तो मदर रोबोट उसे बताती है कि पहले धरती पर इंसान हुआ करते थे लेकिन उन्होंने युद्ध किए और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है और इससे बाहर की दुनिया काफी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है और वहाँ इन्फेक्शन फैला हुआ है, इसी वजह से हम बाहर नहीं जा सकते। फिर डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि जब सारे इंसान मारे गए तो मैं कैसे जिंदा बच गई, तो मदर रोबोट उसे उस लैब में लेकर जाती है जहाँ बहुत सारे बेबीज के सेल रखे होते हैं और फिर मदर डॉटर को बताती है कि मैंने तुम्हें इस सेल से बनाया है, तो डॉटर उनसे कहती है कि आपने सिर्फ मुझे ही क्यों बनाया, तो मदर रोबोट कहती है कि बच्चों को बड़ा करना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि बच्चों को अच्छे से मेहनत सिखाने होते हैं ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके। और फिर वो डॉटर को कहती है कि जब तुम इस काबिल हो जाओगी तो हम तुम्हारे भाई बहन को बड़ा कर लेंगे और फिर तुम्हारा एक बहुत बड़ा परिवार होगा। फिर ऐसे ही टाइम गुजरता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉटर अब बड़ी हो चुकी है और अब वो काफी इंटेलिजेंट हो चुकी है, साथ ही वो हेल्थ में भी अब अच्छी होती है। फिर मदर रोबोट उसे पढ़ाने लग जाती है क्योंकि कुछ दिनों बाद उसका इंटेलिजेंस टेस्ट होने वाला था। एक दिन जब डॉटर पढ़ाई कर रही होती है तो अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है जिससे डॉटर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। फिर डॉटर टॉर्च लिए मदर रोबोट के पास जाती है लेकिन मदर रोबोट चार्जिंग मोड पर होती है, इसी वजह से वो उसे नहीं उठाती। तभी डॉटर को कुछ आवाजें आती है और जब वो उन आवाजों का पीछा करती है तो देखती है कि सिस्टम के कुछ वायर्स कटे हुए हैं और उसे एक चूहा दिखाई देता है, इसीलिए उसे एक बोतल में बंद कर लेती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि आज तक उसने कोई भी जिंदा चीज नहीं देखी थी। फिर उन कटे हुए वायर्स को ठीक करने लग जाती है क्योंकि उसे मदर रोबोट ने सब कुछ सिखाया था कि किसी भी चीज को कैसे सही करना है। और फिर वो पावर हैंडल को ऑन कर देती है जिससे लाइट वापस आ जाती है और फिर डॉटर उस चूहे को लेकर मदर रोबोट के रूम में जाती है जहाँ मदर रोबोट जैसे ही चार्ज होती है तो डॉटर उन्हें वो चूहा दिखाती है, तो मदर रोबोट उसे सवाल पूछने लगती है कि तुमने इसको छुआ तो नहीं और तुम्हें कहाँ से मिला, तो डॉटर उन्हें बताती है कि ये एयरलॉक के पास था और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कट हुई थी। फिर मदर उसे कहती है कि ये बाहर से आया है इसीलिए इन्फेक्टेड हो सकता है, इसी वजह से हम इसका खतरा नहीं उठा सकते। फिर मदर रोबोट उस चूहे को बोतल के साथ ही जला देती है जिससे डॉटर काफी हर्ट हो जाती है और वो मदर रोबोट को कहती है कि उसमें जान थी, तो मदर कहती है कि बाहर सब कुछ तबाह हो गया है और बाहर की सारी चीजें इन्फेक्टेड है, इसीलिए ये सब मैंने आपकी भलाई के लिए किया है। लेकिन डॉटर इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि बाहर की दुनिया में जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर है जिस वजह से तो ये चूहा अंदर आया। फिर जब रात को मदर रोबोट चार्जिंग मोड पर होती है तो डॉटर को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है और वो अपना स्पेशल सूट पहनती है और फिर गेट खोलकर अंदर जाती है और वो अंदर से ही पूछती है कि बाहर कोई है, तो उसे बाहर से आवाज आती है कि मेरी मदद करो मुझे गोली लगी है। ये सुनकर डॉटर बहुत घबरा जाती है और वो एक स्पेशल सूट को बाहर रख देती है और फिर गेट को ओपन कर देती है। गेट ओपन होते ही अलार्म बजने लग जाता है और मदर रोबोट को भी पता चल जाता है कि बाहर का गेट ओपन हुआ है और वो दौड़ती हुई उस तरफ जाती है। वहीं उस गेट से एक लेडी अंदर आती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। डॉटर उस लेडी को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप उस सूट को पहन लें और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी, तो लेडी उस सूट को पहन लेती है लेकिन साथ ही में उसको बहुत दर्द भी हो रहा होता है क्योंकि उसे गोली लगी हुई थी। तभी डॉटर को मदर के आने की आवाज आती है और वो उस लेडी को वहीं छिपने को कहती है। तभी मदर रोबोट उसके पास आती है तो डॉटर उसे कहती है कि मैंने ये गेट सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए खोला था इसीलिए आप मुझसे नाराज मत होना। फिर मदर रोबोट कहती है कि जब ठीक वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बाहर की दुनिया देखने के लिए भेज दूंगी, इसीलिए आइंदा कभी ये दरवाजा मत खोलना वरना बाहर का इन्फेक्शन अंदर आ जाएगा। और फिर उसे कहती है कि चलो अब तुम्हारा इंटेलिजेंस टेस्ट लेने का टाइम हो चुका है। और इसी के साथ ही वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसे एक रूम में ले जाती है और वो उसे एक डिवाइस देती है जिसमें क्वेश्चन होते हैं और मदर रोबोट उसे कहती है कि तुम्हारे पास एक घंटा है जिसमें तुम्हें इन सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं। फिर मदर रोबोट वहाँ से चली जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर डॉटर उस लेडी के पास जाती है जो बेहोश हो चुकी होती है। वो उसका बैग चेक करती है तो उसमें से एक गन मिलती है जिसे डॉटर सेफ्टी के लिए अपने पास रख लेती है। फिर डॉटर उसे होश
में लाती है और उसे पानी पिलाती है और उसे एक जगह ले जाकर उसे यहीं छिपने को कहती है। फिर डॉटर उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है जहाँ उसके हाथ से मेडिसिन गिर जाती है, लेकिन तभी उसे मदर के आने की आवाज आती है और हड़बड़ाहट में उसके हाथ में चोट लग जाती है और फिर वो मेडिसिन लेकर वापस उस लेडी के पास जाती है। लेकिन वो लेडी डॉटर से पूछती है कि तुमने मेरी गन क्यों निकाली और वो डॉटर को भी अपना दुश्मन समझने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे एक रोबोट ने गोली मारी है और तुम एक रोबोट को अपनी माँ समझती हो, और फिर वो डॉटर से अपनी गन मांगने लगती है। तभी उन्हें मदर रोबोट के आने की आवाज आती है और वो लेडी डॉटर से गन छीन लेती है। तभी वहाँ मदर रोबोट आ जाती है और वो लेडी मदर रोबोट को अपना दुश्मन समझते हुए उस पर फायर करने लगती है, तो मदर रोबोट उसे पकड़ लेती है और उसे चोट पहुंचाने लगती है। तो डॉटर मदर को ऐसा करने से मना करती है और उनसे कहती है कि आपसे डरी हुई है क्योंकि बाहर एक रोबोट ने इन्हें गोली मारी है। तो मदर रोबोट डॉटर से पूछती है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो डॉटर कहती है कि मुझे डर था कि कहीं आप इन्हें बाहर ना निकाल दें। और फिर डॉटर मदर को उस लेडी का इलाज करने को कहती है, इसीलिए मदर उसे एक रूम में लेकर जाती है और उसका इलाज करने के लिए उसे इंजेक्शन लगाने लगती है। लेकिन वो लेडी मदर रोबोट से डर रही होती है, इसीलिए वो कहती है कि मुझे इलाज नहीं करवाना, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर मदर रोबोट उस गन को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे लॉकर में रख देती है। डॉटर मदर को कहती है कि हम उस लेडी को इस हालत में नहीं छोड़ सकते, और डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि क्या आपको पता था कि बाहर इंसान है। तो मदर कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद हैरान हूँ क्योंकि इंसानों ने ही प्रिडिक्ट किया था कि ये दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है और हो सकता है कि इस लेडी ने खुद को ही कहीं पर छिपाया हो जिस वजह से जिंदा बच गई हो। फिर मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि जाओ तुम उसे खाना दो और उससे पूछो कि क्या बाहर और भी लोग जिंदा है, और अगर ऐसा हुआ तो हम उनको भी यहाँ लाकर उन्हें बचा सकते हैं। फिर जब डॉटर उस लेडी के पास जाती है तो उसे कहती है कि जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारी वजह से मैं इस जगह कैद हो गई हूँ। तो डॉटर उसे समझाती है कि मदर रोबोट बाकी जैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा बचपन से ख्याल रखा है। तो लेडी कहती है कि मैंने उन्हें बच्चों को मारते हुए देखा है, इसीलिए तुम्हें उस रोबोट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन डॉटर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो मदर रोबोट के पास आती है तो मदर रोबोट उसे कहती है कि उस लेडी ने मुझ पर गोली मारी जिससे मेरा CPU खराब भी हो सकता था, लेकिन मैं बच गई। तो डॉटर मदर रोबोट से माफी मांगती है और कहती है कि अगर मुझे पता होता कि वो आपको दुश्मन समझती है और वो आप पर हमला करेगी तो मैं उन्हें कभी भी अंदर नहीं आने देती। फिर डॉटर मदर से कहती है कि उस लेडी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है, इसीलिए फिर वो दोनों उस लेडी के पास जाते हैं। लेकिन वो लेडी मदर को उसका इलाज करने से मना कर देती है। तो डॉटर मदर को कहती है कि मैं खुद ही इसका ऑपरेशन करूंगी और बुलेट निकाल दूंगी। फिर डॉटर एक स्पेशल ग्लासेस पहनती है जिसकी मदद से मदर रोबोट बाहर बैठी सब कुछ देख रही होती है, और वो ग्लासेस के जरिए डॉटर को बताती है कि कैसे उसका ऑपरेशन करके गोली निकालनी है। और फिर डॉटर ऑपरेशन करके उस लेडी की गोली निकाल देती है। और फिर जब वो लेडी रिकवर होती है तो डॉटर से बातें करती है और डॉटर उसे खाना खिलाती है, और फिर वो लेडी डॉटर को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसका ऑपरेशन किया था। फिर डॉटर उस लेडी से पूछती है कि क्या बाहर और भी सर्वाइवर बचे हैं, तो आप हमें बता सकती है, हम उनकी मदद कर सकते हैं जैसे हमने आपकी मदद की। तो लेडी डॉटर को कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा और जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगी उसे तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है। और उसे बताती है कि बाहर रोबोट्स ने हम पर धोखे से हमला कर दिया था और सभी को मार दिया था और हम सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं, और देखना तुम भी एक रोबोट के साथ यहाँ रह रही हो इसीलिए तुम भी सेफ नहीं हो, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, हम बाहर सर्वाइव करेंगे और दुनिया को फिर से ठीक कर लेंगे। तभी मदर उनके पास आती है और उसने उनकी सारी बातें सुन ली होती है, इसीलिए वो डॉटर को अपने साथ ले जाती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि वो लेडी हमसे कुछ छुपा रही है। फिर मदर उसे ये मानने पर फोर्स करती है कि तुम इतने सालों से मेरे पास हो और मैंने तुम्हें कितने प्यार से पाला है, इसीलिए मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। फिर मदर उसे इंटेलिजेंस टेस्ट करवाने के लिए लेकर जाती है और डॉटर कुछ ही समय में उस टेस्ट को पूरा कर लेती है, और फिर मदर उसके फिजिकल टेस्ट भी लेती है, और जब वो उसका स्कोर चेक करती है तो डॉटर काफी अच्छे स्कोर से पास होती है। इससे मदर रोबोट बहुत खुश होती है और इसी खुशी में वो डॉटर को उस लैब में लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे बेबीज के सेल्स रखे होते हैं, और मदर उसे कहती है कि अब समय आ गया है कि जब तुम इनमें से अपने भाई या बहन को चुनो। ये सुनकर डॉटर बहुत खुश होती है और डॉटर अपने भाई को चूज करती है और उसे उस मशीन में डाल देती है। फिर मदर उसे कहती है कि कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारा भाई बड़ा हो जाएगा और फिर हम उसका इस दुनिया में स्वागत करेंगे। लेकिन रात में जब मदर रोबोट चार्जिंग मोड पर होती है तो डॉटर को उस लेडी की बातें याद आती है और वो सोचती है कि मदर ने सिर्फ मुझे ही क्यों बनाया। इसी बात का पता लगाने के लिए वो उस रूम में जाती है जहाँ इस लैब का सारा डेटा पड़ा हुआ था। वो जब उस ड्रावर को खोलती है तो उसे पता चलता है कि मदर रोबोट ने डॉटर से पहले भी दो और बेबीज को बनाया था, लेकिन जब उस
ने उन दोनों का इंटेलिजेंस टेस्ट लिया तो उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया, इसी वजह से मदर ने उन्हें मार दिया। और अब डॉटर को उस लेडी की बातें सच लगने लगती है कि मदर बुरी है। और जब वो उस रूम में जाती है जहां मदर ने उस चूहे को जलाया था, वो जब वहां ढूंढती है तो वो काफी डर जाती है क्योंकि वहां एक लड़की का टूटा हुआ कंकाल पड़ा था। डॉटर बहुत दुखी हो जाती है और वो सोचती है कि मदर रोबोट ने मुझे सिर्फ इसलिए पाला है ताकि वो मेरी इंटेलिजेंस को यूज कर सके। फिर डॉटर उस लेडी के पास जाती है और फिर उसे कहती है कि आप सही कह रही थी। फिर वो लेडी डॉटर से कहती है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, तो डॉटर कहती है कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि मेरा भाई इस दुनिया में आने वाला है और मैं अपने भाई को उस रोबोट के हवाले नहीं छोड़ सकती। उनकी ये सारी बातें मदर रोबोट भी सुन लेती है, इसीलिए वो डॉटर को एक रूम में बंद कर देती है। और फिर मदर रोबोट उस लेडी के रूम में जाती है और वो उसे काफी टॉर्चर करने लगती है। वहीं डॉटर उस रूम से निकलने की बहुत कोशिश करती है और फाइनली वो उस रूम का दरवाजा तोड़ देती है, लेकिन वो जानती थी कि वो मदर रोबोट से नहीं जीत सकती, इसीलिए वो लाइटर की मदद से फायर अलार्म को ऑन कर देती है जिससे मदर रोबोट को ऐसा लगता है कि लैब में आग लग गई है और उस लेडी को छोड़कर बाहर आ जाती है। और वहीं डॉटर और वो लेडी बाहर भागने लग जाते हैं, लेकिन इस बात का पता मदर रोबोट को चल जाता है और उन्हें पकड़ने के लिए आती है। मदर डॉटर को कहती है कि तुम अपने भाई को छोड़कर नहीं जा सकती। तभी वो लेडी डॉटर को ही पकड़ लेती है और मदर रोबोट से कहती है कि डोर खोलो वरना मैं इसे मार दूंगी। तो मदर रोबोट काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और फिर उस लेडी के कहने पर उन दोनों डोर को खोल देती है और फिर वो लेडी डॉटर को लेकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर डॉटर देखती है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। और फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर रोबोट कॉर्न की खेती कर रहे होते हैं ताकि लैब के अंदर बनने वाले इंसान सर्वाइव कर सके। और फिर वो लेडी डॉटर को अपने साथ आगे चलने को कहती है, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो डॉटर देखती है कि वहां पर कोई भी माइन नहीं होती बल्कि वहां कंटेनर पड़े हुए होते हैं। और वो लेडी एक कंटेनर में अपने डॉग के साथ रहती थी और उसने उस कंटेनर के अंदर अपनी जरूरत का सामान रख रखा होता है। डॉटर उस लेडी से पूछती है कि आपने तो कहा था कि आप माइन में रहती है और बाकी सब लोग कहाँ है। तो लेडी कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन हम पहले माइन में रहते थे और बाकी लोग भी थे, लेकिन हमारे पास खाने की काफी कमी हो गई थी जिससे सभी लोग मारे गए और बस मैं ही जिंदा बच सकी और फिर मैं यहाँ रहने लगी। ये सुनकर डॉटर बहुत गुस्सा होती है और उस लेडी को एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैं वहाँ अपने भाई को छोड़कर आई हूँ। तो लेडी कहती है कि वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। तो डॉटर कहती है कि हम मिलकर मेरे भाई को बचा सकते हैं। तो लेडी कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो डॉटर अकेले ही अपने भाई को बचाने जाती है और जब उस लैब के बाहर पहुंचती है तो वहाँ बहुत सारे रोबोट्स उसे घेर लेते हैं और उस पर लेजर डालने लगते हैं, लेकिन वो उसे सिर्फ स्कैन कर रहे होते हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि वो डॉटर है और वो डॉटर को अंदर आने देते हैं। और डॉटर जैसे ही अंदर जाती है तो उस डोर को पूरी तरीके से लॉक कर देती है और उसके कंट्रोल को ऑफ कर देती है। और फिर वो वहाँ पड़ी एक कुल्हाड़ी को उठा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि मदर रोबोट उस पर हमला कर सकती है। और फिर जब डॉटर एम्ब्रियो लैब में जाती है तो मदर रोबोट उसके सामने होती है और उसके हाथ में वो बेबी होता है। डॉटर मदर को कहती है कि मैं उस बेबी को देखना चाहती हूँ। और फिर डॉटर मदर के पास आती है और मदर रोबोट उसे कहती है कि एक्स छोड़ो और अपने भाई को पकड़ो। और फिर डॉटर अपने भाई को अपनी गोद में उठा लेती है और फिर मदर रोबोट उससे कहती है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। और फिर उसे कहती है कि मैं इन रोबोट्स की हेड हूँ और मैं ही इन्हें कंट्रोल करती हूँ और ये सब मेरा ही प्लान था कि मैं दुनिया के सारे इंसानों को खत्म कर दूं, क्योंकि वो इंसान बहुत लालची हो गए थे और वो इतनी लड़ाइयाँ कर रहे थे कि उन्होंने पूरी दुनिया को ही तबाह कर दिया। अगर कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहता तो ये दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती और हम रोबोट्स का भी कोई नामो निशान नहीं बचता। इसी वजह से मैंने खुद इन इंसानों को मार दिया ताकि हमारा प्लेनेट सेफ रहे, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ एम्ब्रियोस अपने पास सेव कर लिए ताकि मैं फिर से इंसानों को बना सकूं, लेकिन मैं उन्हें बेहतर बनाना चाहती थी, इसीलिए मुझे ऐसे इंटेलिजेंट ह्यूमन की तलाश थी जिसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा हो और उसे पता हो कि असल में करना क्या है। और फिर फाइनली मुझे तुम मिल गई। फिर मैंने सोचा था कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो हम इन बाकी एम्ब्रियोस को एक एक करके बड़ा करेंगे और तुम उनकी लीडर होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी इतनी अच्छी ट्रेनिंग की ताकि तुम इन सबकी मदर बनकर इनकी अच्छी ट्रेनिंग करो और इन्हें अच्छा इंसान बनाओ ताकि ये अर्थ को पहले से बेहतर बना सके। तो डॉटर कहती है कि आपने अपने प्लेन के खातिर कितनों की जान ली है, इसीलिए आपको मरना होगा। तो मदर कहती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन उससे पहले ये सुन लो कि जो लेडी यहाँ आई वो भी मेरे ही कहने पर आई थी, क्योंकि मैंने ही उसे कहा था कि तुम मेरी डॉटर को बाहर की दुनिया दिखाओ ताकि उसे पता चले कि बाहर की दुनिया कैसी है और असल में हो क्या रहा है। और मुझे ये भी चेक करना था कि तुम्हारे दिल में इंसानों के लिए प्यार है या नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर भेजा और हुआ भी ऐसा ही, तुम अपने भाई के लिए वापस लौटी अपनी जान की परवाह किए बगैर, इसीलिए अब तुम इस काबिल
काबिल हो गई हो कि तुम इन बेबी सेल्स को बड़ा करो और अब तुम मुझे मारो या ना मारो यह सब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया था कि मैं किसी इंटेलिजेंस इंसान को इनका लीडर बना सकूं। इसीलिए मदर खुद ही डॉटर के हाथों अपने आप को शूट करवा लेती है क्योंकि अब उसका कोई भी काम नहीं होता। वही हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिसके पास एक रोबोट आता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो टास्क दिया गया था तुमने वो काफी अच्छे से पूरा किया, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है, इसीलिए वो रोबोट उसे भी मार देता है। वहीं डॉटर अपने छोटे भाई का ख्याल रखने लग जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।